असलकम स्टूडेंट्स जो पहली डिज़ाइन ऑप्शन सोशल एंटरप्रेन्योर्स को अपने वेंचर के हवाले से अवेलेबल है वो ऑफ़ कोर्स चैरिटी के बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रजिस्ट्रेशन है ये नाम से नॉन प्रॉफिट जो है वो है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल इनकम अर्न कर ही नहीं सकते उनकी कॉस्ट से जो भी ज़्यादा उनके पास रेवनी होंगे जिसे एक्सेस रेवनीू कहते हैं वो डेफिनेटली जनरेट कर सकते हैं उसमें सिर्फ एक चीज़ है दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में एक कानून है जिसको प्राइवेट एनमेंट का कानून कहते हैं जिसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन पर रिस्ट्रिक्शन होती है या उन ममानियत होती है कि वो जो एक्सेस रेवेन्यूज़ हैं उनको ओनर जो है या जिसने वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है वो अपने जतीी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता या कर सकती उसके अलावा ऑफ कोर्स वो एक्सेस रेवेन्यूज़ जनरेट कर सकते हैं बल्कि जितना कंपटीशन बढ़ गया है फाइनेंशियल रिसोर्स के लिए जितना सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का सेक्टर जो है वो वसी हो गया है उसमें इनक्रेज किया जा रहा है कि नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी रेवेन्यूज़ जनरेट करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेश खासतौर पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुख्तल्फ़ानीन के तहत रजिस्टर हो सकती हैं पाकिस्तान में कम अज़ कम तेरह चौदह लॉज हैं जिनके अंदर पाकिस्तानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गनइजेशन रजिस्टर होती हैं मसला सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट है कंपनीज ऑर्डिनेंस है सोशल वेलफेयर का जो वॉलन्ट्री एजेंसीज का 1961 का कानून है वो भी है इसके अलावा ट्रस्ट एक्ट है और बेशुमार हैं और जो हमारा 2001 का इनकम टैक्स का लॉ है उसके अंडर किसी ऑर्गेनाइजेशन को नॉन प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकता है तो ये मुख्तलिफ़ ऑप्शन पाकिस्तान में अवेलेबल हैं सोशल इंटरप्रन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नॉन प्रॉफिट के तौर पे रजिस्टर कराने के लिए नॉन प्रॉफिट के तौर पर अगर एक सोशल वेंचर रजिस्टर हैं तो उसके पास इनकम जनरेशन के लिए या फंडिंग के हवाले से या फाइनेंशल रिसोर्स के हवाले से काफ़ी ऑप्शंस होती हैं सबसे पहले इंडिविजुअल डोनेशंस हैं के चैरिटेबल परसन्स वो लोग जो किसी कॉज के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कोई सोशल सर्विस में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उनकी तरफ से डोनेशंस जो हैं वो ये नॉन प्रॉफिट्स ले सकती हैं फिर फाउंडेशन ग्रांट्स होती हैं फाउंडेशन ग्रांट्स इंडिविजुअल डोनेशन से ज़ाहिर है बड़ी होती हैं क्योंकि फाउंडेशंस बनी हुई हैं मुख्तलिफ़ कॉजि के लिए वो ग्रांट्स देती हैं तो Uh, जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं ख़ास तौर पर जो न्यूली स्टार्टिंग सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ये ग्रांट्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं प्राइवेट ग्रांट्स के अलावा गवर्नमेंट की ग्रांट्स भी होती हैं जैसे हमने पहले भी बात की कि बाज़ काम गवर्नमेंट या तो करने में इंटरेस्टेड नहीं होती या फिर गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में रहते हुए उन कामों को करना मुश्किल होता है तो गवर्नमेंट ऑफिशल्स रिलक्टेंट होते हैं उन्हें करने में तो गवर्नमेंट उन कोजे के लिए उन सोशल सर्विसेज के लिए जो उनके पास मनी होती है उसको चैनल कर देते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जो उस तरह के काम या उस तरह की कोजिज़ के लिए काम कर रही होती हैं इसके अलावा जो नॉन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं कि वो अपने फंड्स जनरेट कर सकती हैं अब ये जो मुख्तलिफ ऑप्शनस हैं जिसमें प्राइवेट डोनेशनस हैं अपनी अर्नड इनकम है फाउंडेशन ग्रांट्स हैं पब्लिक ग्रांट्स हैं यानी गवर्नमेंट की ग्रांट्स हैं ये सारी मुख्तलिफ ऑप्शनस तो अवेलेबल हैं लेकिन इनकी डाउन साइड है या इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं जो सोशल वेंचर्स को फेस करना पड़ते हैं उसमें जो प्राइवेट डोनेशनस हैं उनकी अमूम मकदार कम होती है बाजुकात वन ऑफ डोनेशन आया आपने कोई कॉज किसी चीज़ पर काम शुरू कर दिया और फिर वो पैसे ख़त्म हो गए अभी काम जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ सर्विस डिलीवर नहीं हुई लेकिन अब और डोनेशन नहीं आ रहा जो ग्रांट्स हैं ख़ासतौर पर फाउंडेशन ग्रांट्स जो उनका साइज तो थोड़ा ज़्यादा होता है पैसे उसमें थोड़ा ज़्यादा होते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शनस हैं जैसे फंडर्स जो हैं जो फाउंडेशनस हैं वो कुछ स्पेसिफ़िक कॉजेज़ के लिए कैटेगोरिकल ग्रांट्स जिनको कहते हैं वो देती हैं कि अगर आप ये काम करते हैं तो हमारी ग्रांट आपके लिए है अदरवाइज नहीं आप कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर रहे हो इसी तरह फाउंडेशन्स जो हैं वो इनोवेशन जो उनके एरिया में उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हो रही हो उसको तो फ़ंड करते हैं लेकिन जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स मुख्तलफ़ एरियाज़ में इनोवेशंस करते हैं उसको वो फ़ंड करने में हो सकता है इंटरेस्टेड ना हों इसी तरह की गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शनस हैं कि गवर्नमेंट ने पैसे जो हैं वो एलोकेट किए हुए होते हैं मुख्तलिफ मदों के अंदर और जब उस मद से बाहर कोई इनोवेटिव आइडिया आता है तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स यूजुअली स्ट्रगल कि अब पैसे कहाँ से आएंगे क्योंकि गवर्नमेंट लिमिटेड है वो वो पैसे रीचैनल नहीं कर सकती आसानी से तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स को एज अ नॉन प्रॉफिट फेस करना पड़ते हैं फिर जो उनकी अपनी अर्न इनकम है उसकी भी हद है एक तो वो प्राइवेट उसको अपने जाति फ़ायदे के लिए जैसे ओनर है उसके इंटरेस्ट में वो खर्च नहीं कर सकते सिर्फ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है उसके ऊपर वो खर्च करेंगे फिर टैक्स एग्जशन के हवाले से स्क्रूटनी है इसी तरह जो ग्रांट्स देती हैं फाउंडेशन या गवर्नमेंट उनके लिए बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ते हैं रिपोर्टिंग करना पड़ती है ताकि वो जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हैं उनका एलिमेंट मौजूद रहे उसको देखते हुए नई ऑर्गेनाइजेशंस, नई ग्रांट्स गवर्नमेंट्स जो हैं वो नए फंड्स, एन को या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को देती हैं ये जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट है इस पे ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत सारा टाइम बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारे ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्स जो हैं वो खर्च होते हैं जो कि मिशन की तरफ चैनल किए जा सकते थे जब ऐसी सूरत हाल का सामना होता है तो फिर सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो नॉन प्रॉफिट के अलावा दूसरे डिज़ाइंस जो हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं जिनका हम अगले मॉड्यूल्स में जायजा लेंगे थैंक यू